हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8th पे कमीशन और एनपीएस के बारे में। देखो, अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 8th पे कमीशन और एनपीएस के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। एनपीएस बेसिकली न्यू पेंशन स्कीम इसको बोला जाता है। और 2004 से पहले हमारे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन मिल जाया करती थी। लेकिन 2004 के बाद जिसने भी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया और मैक्सिमम जो आपकी जॉब्स हैं गवर्नमेंट वाली, उसमें एनपीएस लागू हो चुका है, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हर महीने आपकी सैलरी का 10% कटता है और 14% गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है। और फिर जब आप रिटायर होते हैं तो ग्रेचुटी के रूप में आपको कुछ पैसा मिलता है, यानी कि 60% पैसा आप निकाल लेते हैं और बाकी पैसा जो है आपका शेयर मार्केट में लगाया जाता है और वहाँ से जो कमाई होती है उसके आधार पर आपकी पेंशन बनती है। एनपीएस में ऐसा भी देखा गया है कि जो पेंशन है वो 1,000-2,000 रुपये रहती है, यानी कि कोई फिक्स पेंशन नहीं होती है। और बहुत दिनों से जो है एनपीएस और 8th पे कमीशन को लेकर जो है चर्चाएं हो रही थी, तो आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 8th पे कमीशन की भी तैयारी हो रही है और एनपीएस में भी बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्यूचर ऑफिसर सेल अभी चल रहा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, तो आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हैं, जो आपको मात्र 466 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फुल रिफंड आपको मिलता है। और यहां पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट रहते हैं और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा है। 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यहां पर जो है टेस्ट लगाते हैं। लगभग 17,000 से ज्यादा एग्जाम्स की यहां पर तैयारी की जाती है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 8th पे कमीशन के बारे में। तो यहाँ पर शिवगोपाल मिश्रा, जो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के आप लोग कह सकते हैं चेयरमैन हैं, तो इनकी तरफ से 8th पे कमीशन को लेकर एक लेटर लिखा गया है। और इस लेटर में ये कहा गया है कि जो 10 साल बाद पे कमीशन रिवाइज होता है उसमें 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए, जो कि 2026 से लागू होना चाहिए, और वो सारी बातें इसमें कही गई हैं। अब सिर्फ इसको आप लोग छोड़ दीजिए, अब मैं आपको एक पेपर कटिंग दिखाता हूँ। ये देखो, ये आज ही के न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप देखिए। चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्य वर्ग, 8वें पे कमीशन की तैयारी शुरू। यहां पर बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि इसके रिगार्डिंग अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का जो है वो गठन किया जाएगा और उसके अनुसार फिर सैलरी इंक्रीज होगी। देखो, अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो सैलरी में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी ग्रुप डी की 18,000 रुपये बेसिक पे होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जो अलाउंसेज हैं वो भी बढ़ेंगे, तो 8वां वेतन आयोग आता है तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलो कुछ एक दो पॉइंट पढ़ लेते हैं। फैसला हुआ तो लाभान्वित होंगे 49 लाख केंद्रीय कर्मी, 62 लाख पेंशनर। आम लोगों के लिए टैक्स में छूट पर भी हो सकता है विचार। तो अभी विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन 8वां वेतन आयोग अगर आता है तो नो डाउट की सैलरी बहुत बढ़ेगी। लेकिन अभी बात करते हैं कि मान लो कि 8वां वेतन आयोग नहीं आता है, तो उसके अलावा भी यहाँ पर खबरें कुछ चल रही हैं चर्चाओं में। जैसे 13/6/2024 का ये आर्टिकल आप देखिए, एनपीएस में बेसिक सैलरी की 50% पेंशन प्रस्तावित। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनपीएस में पेंशन कैसे मिलती है, 1,000-2,000 पेंशन बनती है। तो इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी अगर इंप्लॉय जो उसका बेसिक पे होगा रिटायरमेंट के टाइम में, एक एग्जांपल से आप समझो, एक ग्रुप डी कर्मचारी रेलवे में ज्वाइन करता है 18,000 रुपये बेसिक पे पर, जब वो जॉब करेगा अपनी 20 साल 30 साल जितना भी जॉब करेगा, जब वो रिटायर होगा मान लो उस टाइम पर उसका जो बेसिक पे है वो 50,000 तक चला जाता है, तो उसकी जो यहाँ पर पेंशन बनेगी वो इसकी आधी यानी कि 50% बनेगी, 25,000 रुपये पेंशन उसकी फिक्स हो जाएगी। तो ये इसको लेकर भी अभी विचार विमर्श चल रहा है। एनपीएस में ऐसे चेंजेस भी करने की बात हो रही है, तो अगर 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होता है और एनपीएस में ये वाले चेंज होते हैं तो भी यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा सभी लोगों को। ये भी बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आया है, एनपीएस में बेसिक पे की 50% पेंशन प्रस्तावित हुई है। 2004 से स्कीम में नामांकित 87 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा। तो दोनों ही तरीके से फायदा है, अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो भी बेनिफिट है, अगर ये 50% पेंशन अगर प्रस्तावित होती है तो भी आप लोगों को फायदा है। बाकी अलाउंसेज में जो इंक्रीमेंट हुए हैं 1 जनवरी 2024 से, जो 50% DA को क्रॉस किया उसके बाद से, वो भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो देखो, कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को जो थोड़ा झटका लगा है उसके कारण अब इन लोगों के बारे में भी सोचा जाएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या यहाँ पर एनपीएस को बंद करके ओपीएस लागू करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।